YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गढ़वा जिला अंतर्गत कांदी प्रखंड की मुख्य बाजार कर्पूरी चौक पर शुक्रवार को नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जहां अपने संबोधन में मोर्चा के केंद्र संयोजक पुष्प रंजन सहित छोटन उपाध्याय ने किसानों की दुर्दशा को लेकर भारी चिंता जताई। मोर्चा नेताओं ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समूचे प्रमंडल को सब्जी खिलाने वाले कंडवा प्रखंड के किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। अब हालत यह है कि सब्जी उत्पादक अब सब्जी खरीद कर खाने को मजबूर हैं। कहा का आगामी 9 दिसंबर को गढ़वा गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आवाज़ को सरकार व आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचाई जाएगी। कहा आगामी कार्यक्रम के माध्यम से गढ़वा जिले में किसान हित में पहली लड़ाई होने जा रही है। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि अब किसानों के लिए ऐसा संगठन तैयार हो गया है जिसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। मोर्चा तले एकजुट किसानों का हक कोई भी बिचौलिया अब हजम नहीं कर सकता।